कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन महापड़ाव चल रहा है। सारे महापड़ाव के मांगे मुद्दे सामने बैनर पे भी अंकित है और हमारे किसान साथियों की एक एक टीम ने गांव गांव घर घर जाके सारे मुद्दे आपको बताए थे। हम जब 1 तारीख का महापड़ाव यहां पर लगा रहे थे पूरे राज्यव्यापी आह्वान के तहत, उस दिन बारिश के चलते एक और कार्यक्रम के चलते थोड़ा व्यवधान था। आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा कि राजस्थान के 20-22 जिलों में अन्नदाता किसान जो पड़ाव पे बैठा है, 5 तारीख को शहरों के अंदर उन्होंने आक्रोश रैलियां निकाल के सरकार के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था। और सीकर से समाचार आया, हमारे अखबारों ने लिखा कि लाखों लाख किसान, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी उस संघर्ष के अंदर शामिल हुई थी। आज 7 तारीख के दिन हमारे किसान संगठनों ने भी तय किया था कि हम गंगानगर के अंदर शहर के मुख्य मार्गों से आक्रोश रैली आयोजित करके हम शहर के लोगों को, सरकार को ये निवेदन करेंगे कि किसानों की बाजीबाज का समाधान होना चाहिए, नहीं तो ये किसान आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। आज के इस हमारे आक्रोश रैली में सभा में सीकर में संघर्षों का नेतृत्व करने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड अमराराम 5-10 मिनट के अंदर हमारे बीच में हमारे हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हमारे सारे नेतागण पहुंच चुके हैं, भुरामल जी स्वामी, नथा सिंह जी हमारे 5 जीबी से सीटू के साथी, महिला समिति के साथी, बहुत से हमारे जागरूक किसान, सोन सिंह जी मंडेर खेत मजदूर यूनियन से, बालाराम जी, सारे साथी आए हुए हैं। ये सभा पड़ाव पे पूरे दिन चलने वाली है। जैसा मंच का आदेश है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे 2-4 प्रमुख नेता और लास्ट में कामरेड अमराराम जी यहां पर संबोधन करेंगे। उसके बाद सारे के सारे किसान, एक भी आदमी इस पंडाल के अंदर नहीं रुकेगा। यहां से पुलिस कंट्रोल रूम होते हुए गांधी चौक, लक्कड़ मंडी, बिरबल चौक होते हुए एसबीआई की मुख्य शाखा पे हम प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं। वो ज्ञापन इस बात का है कि आप हमारे प्रीमियम फसल का काटते हो, गंगानगर जिले में खेती गवार और मूंग की तबाह हो गई, जल्द से जल्द सर्वे होके किसान को फसल का बीमा क्लेम मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे वक्तागण लंबी लिस्ट है, सारे साथी बाद में बोलेंगे, प्रमुख 4-5 हमारे नेता यहां पर अपनी बात रखेंगे, उसके बाद किसान मित्रों अपने रैली लेके जाएंगे। और जैसा कामरेड हेतराम जी ने कहा है कि हमारा पूरा राज्य स्तर का मांग पत्र है, बात हमारी सरकार से होनी है, लेकिन हमारे गंगानगर जिले के कुछ स्थानीय मुद्दे, जिसमें मूंग की सरकारी खरीद शुरू करने, किसान का एक एक दाना समर्थन मूल्य पे खरीदने के लिए, और जो किसान का मुआवजा आया हुआ है रावला के क्षेत्र का, 365 क्षेत्र का, हमारे सादुल शहर का, रोडामारी क्षेत्र का, मिर्जेवा, धौलपुरा का, वो सारा मुआवजा तुरंत प्रभाव से बटे, इस बात पे हम चाहते हैं कि यहाँ के अधिकारी किसानों के साथ बातचीत करें। रैली निकालने के बाद यहाँ आएंगे, प्रशासन अगर वार्ता के लिए बुलाएगा तो ठीक, वरना सारा किसानों का हजूम अंदर जाके भी उनसे वार्ता करेगा अगर किसानों को वार्ता का न्योता नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करते हुए पंडाल में जहां भी जगह बैठने का कष्ट करें, आधे पूरे घंटे बाद हेतराम जी अमराराम जी के भाषण के बाद यहां से रैली रवाना होगी, पूरे बाजार में नारेबाजी करते हुए दोबारा पंडाल में आएंगे, वार्ता चलेगी, उसके बाद नेताओं से, सारे किसानों से हम चर्चा करके हमारे अगला नेता कामरेड हेतराम जी अगले कदम की घोषणा करेंगे और ऐसा कदम उठाएंगे कि अगली बार सिर्फ
या शक्ति प्रदर्शन करने नहीं, इस सरकार के फटे चकने के लिए आएगा, ऐसा कार्यक्रम हम यहाँ पर बनाएंगे। इसलिए मैं अब निवेदन करूंगा जिला परिषद के सदस्य भाई डूंगराम जी कैदर से कि वो आए और अपनी बात रखें। दूसरे वक्तागणों को बाद में वक्त मिलेगा, चार पांच मुख्य वक्ता दो दो मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अपने रैली को रवाना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।